चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे सूरतुल आराफ आयत नंबर 18 ऑनवर्ड से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। शैतान पे काफ़ी हमारी आयात चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी श्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यन्फ़ऊना व ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आराफ है हमारी, चलें इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। तिलावत हमने सुनी थी आयत नंबर 18 और 19 की, और जूस हमारा पारा 8 है, तो हम लोग भी तर्जुमे से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 18, काला फरमाया, उखरुज निकल जा, मिन हा मिन से हा इस मजमूमन मजम्मत किया हुआ, मधहूरा रहमत से दूर किया हुआ, तो है ना, तो छोटा सा अगर आप रुकते हैं तो मधूरा सबको मालूम है, और नहीं रुकते हैं तिलावत के दौरान की बात हो रही तो मधुरन रहमत से दूर किया हुआ, लमन ल अलबत्ता मन जो तबिया का तबिया पैरवी करेगा का तेरी तबिया का पैरवी करेगा तेरी, मिन हम मिन से हम उनमें मिन हम उन में से, लअम लअन्ना ला अलबत्ता अम लअन्ना मैं ज़रूर भर दूंगा, यानी ज़रूर ब ज़रूर भरूंगा, ये हो के रहेगा, अल्लाह ताला जानों को भर देंगे जो उसकी पैरवी करेंगे शैतानों के। नून पे जो शद है तशदीद है तो दो उसकी वैसे दो ताकीद हो गई, ला अलबत्ता और जो नून पे जो शद है मतलब है तशदीद जो है नून पे, ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह ताला भर देंगे जानों को जो शैतान की पैरवी करेगा, लाम लअन्ना, तो इसका रूट वर्ड है मिल मीम लाम हमज़ा मिल आ, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि मिल आ से कोई दुआ, मिल आ से कहीं कोई दुआ पढ़ते हैं आप लोग, कोई बताएगा सिवाय के? मिल आ जो आया ना मीम लाम हमजा, इससे कोई दुआ कोई चीज पढ़ते हैं, कोई दुआ पढ़ते हैं आप इससे कोई? मीम लाम हमजा, आपके पास एक सुबह का ग्रीन कार्ड शुक्राने का हम लोगों ने बांटा था ना, याद है? जी जी जी, उसमें पढ़ते हैं मिल लदुन का आसमा किसी आयत में आता, देखो नहीं वो मिल लदुन का नहीं है, मिल आ मिल भर दाना भर देना, मिल समावाती, जी हाँ मिल समावाती, जजाक अल्लाह, खैर ये पहुंच गई दुआ तक, तो हम इसकी तफसीर के बाद तदबीक करेंगे, दुआ भी हम मिला से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं उस पर, तो इंशाल्लाह देखें। जजाक अल्लाह खैर असमा जी, जजाक अल्लाह खैर। लाम लाना अलबत्ता मैं ज़रूर बदूँ, लेकिन माशाल्लाह गलत बोलें भले, हमारा हमेशा ये रहना इन क्लासेस में कि गलत बोलें, कोई बात नहीं डरे नहीं, गलत बोल के अपनी गलतियों से इंसान सीखता है ना, तो हम एक दूसरे से सीख ही रहे, तो माशाल्लाह आप लोग कोशिश करती हैं। अब देखें उनको भी मिल लदुन का कुछ ना कुछ याद तो आया ना, कि सबको कुछ ना कुछ माशाल्लाह याद आता है, तो ये मिला बिल्कुल सही बोला आपने, भरना मिल समावाती वलद, लाम लाना अलबत्ता मैं ज़रूर भर दूंगा जहन्नमा जहन्नम को, मिन कुम मिन से कुम तुम मिन कुम तुम से, अजमाइन सबके सब सबके सबके सबसे सबके सबसे भर दूंगा। चले हम रवा तर्जुमा देख के फिर आते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलील व ख्वार होकर निकल जा, जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। अब आयत की तरफ आते हैं, देखते हैं आयत को, जानते हैं समझते हैं। तो अब यहाँ ये फरमाया कि काला फरमाया, काला अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया, किसको फरमाया, शैतान को, उखरुज निकल जा, मिनहा इससे, यानी कि शैतान से कहा अल्लाह ताला ने कि तुम यहाँ से निकल जाओ जन्नत से, या जो मर्तबा उसको मिला हुआ था फरिश्तों के साथ बैठता था, क्योंकि उसने सजदा करने से मना कर दिया था, फिर उसने मोहलत मांगी कि मुझे मोहलत दो तो मैं जो हुआ बहकाऊँगा तेरे बंदों को, दाएँ से आऊँगा बाएँ से आऊँगा, ऊपर ऊपर से तो वो नहीं आएगा, दाएँ से आऊँगा बाएँ से आऊँगा और आगे से आऊँगा पीछे से आऊँगा, सिरात मुस्तकीम पे भी बैठूँगा, तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उखरुज यहाँ से निकल जाओ जन्नत से, कैसे निकल जाओ, मजूमन मधूरन मजूमन मजम्मत किया हुआ, यानी ऐबदार,
ऐबदार हो के, तो ऐबदार हो गया था ना, तो जो है मजूमन का रूट वर्ड है मीम जाल मीम, ठीक है, मीम जाल वाव वा, मीम, या मजूम का रूट वर्ड है सॉरी जाल अलीफ मीम, इसके अंदर ही है, देखे जाल हमजा मीम है ना, जाल हमजा मीम है ना, जाल अलीफ मीम इसके अंदर ही है, जाल अलीफ मीम या जाल या मीम, ठीक है, मजूम का। तो मजूमन मतलब ये है कि तुम जो है यहाँ से मजम्मत किए हुए ऐबदार हुए होकर निकल जाओ, जलील होके, मधुरन रहमत से दूर किया गया, और मधुरन होकर यानी अल्लाह की रहमत से वो दूर भी हो गया, अल्लाह ने उसको दूर कर दिया अपनी रहमत से, उस पर लानत नाजिल फरमाई, और मधुर का मतलब होता है दूर हो, दूर कर देने वाला, दूर दूर हो जाना, तो मजूमन मजम्मत किया हुआ, मधुरन रहमत से दूर किया हुआ, तुम यहाँ से निकल जाओ, लमन तबीयत का मिनम, मगर जो कोई तुम्हारी तेरी पैरवी करेगा, तेरी मान के चलेगा, खुतवाती शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी है, आपने आयतों में पढ़ा है खुतवाती शैतान के, शैतान के खुतवात उसके कदमों की पैरवी नहीं करी, तो जो तेरी पैरवी करेगा तेरी मान के चलेगा उसका मैं क्या करूँगा, लअमलअन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर बज़रूर भर दूंगा, मिल आ से भर देना जहन्नमा, जहन्नम को, मिनकुम तुमसे, जो तुम्हारी पैरवी करके करेगा तो तुम्हें और तेरी तुम्हारी तेरी पैरी पैरवी करने वालों को, तेरी मान के चलने वालों को मैं भर दूंगा सबके सबसे, सारों को जो भी तेरी पैरवी करेंगे सबको जहन्नुम से भर दूंगा, वो सब जहन्नुम में जाएंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा, मजूमम मधूरा, ठीक है, ऐबदार होके, जलीलो ख्वार होके, मेरी रहमत से दूर होके निकल जा, लमन तबिया का मिनुम लाम लाना जहन्नमा मिन को मजमाइन, तो जो शख्स उनमें तेरा कहना मानेगा दुनिया में मैं ज़रूर तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला के नाफरमान था तो जहन्नुम का ईंधन किसके लिए, अल्लाह के नाफरमानों के लिए है, इस पर अल्लाह ताला की लानत नाजिल होती है, रहमत से दूर कर दिया जाता है, फरिश्तों की जमात से अलग कर दिया जाता है, ऐबदार करके उतार दिया जाता है, मजूमन जो होता है ना ऐबदार करना, मुजम्मत किया हुआ, ऐबदार के किए हुए, और मधुर के मानी होते दूर किए हुए के, मकसद दोनों से एक ही है, बस ये जलील होकर अल्लाह के गजब में मुतला होकर नीचे उतार दिया गया, अल्लाह की लानत उस पर हुई और निकाल दिया गया, और फरमाया गया कि तू और तेरे मानने वाले सब के सब जहन्नुम का ईंधन है। ठीक है, अब हमने सूरतुल बकरा में भी पढ़ा था कि एक तो क्या होगा, फ्यूल बनेंगे इंसान जितने नाफरमान हैं, शैतान के जित मान के जो चलेंगे फ्यूल बनेंगे, यानी कि जैसे आपको गैस चाहिए होती गाड़ी के लिए, आपको अपना स्टोव जलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, उसमें क्या होता है गैस होती है या इलेक्ट्रिक के चूल्हे होते हैं ना, होते हैं। तो ये कितनी स्कैरी बात है कि इंसान भी जो है क्या बनेंगे, ईंधन बनेंगे, वो ईंधन क्या चीज़ है, जो आग को जलाए, आग को भड़काने वाली चीज़, जैसे कोयला आप जलाते हैं, तो वो भी जलेंगे भी और ईंधन भी बनेंगे। और हमने पढ़ा था कि इंसान के जिस्म में कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी जो है ना आग को भड़काने में मदद देता है ना, तो सबके सब जानों का ईंधन है। और अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्ना जहन्नमा जज़ाउकुम, तुम सब की सज़ा जहन्नुम है, तो जिस तरह चाहे उन्हें बहका, तू जिस तरह चाहे उन्हें बहका, अल्लाह ताला ने एक और जवाब फरमाया, लेकिन इससे मायूस हो जा कि मेरे ख़ास बंदे तेरे वसवसों में नहीं आएंगे, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं जो अल्लाह की मान के चलेंगे वो वसवसों में नहीं आएंगे। यहाँ ये आज से कोई ये नहीं समझ ले कि बस शैतान बहकाएगा तो हम बहक जाएंगे, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु भी थे, उनको तो देख के शैतान जो है दूर भाग जाता था, दूर चला जाता था, तो मेरे खास बंदे तेरे वसवसों में नहीं आएंगे, उनका वकील मैं खुद हूँ, अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे कि हम शैतान के वसवसों में से ना आए और जन्नत में जाने वाले बन जाएं। तो अब हम तदबीक कर लेते हैं, ये आयत की तफसीर हमारी हो गई, तो अब हम तदबीक करते हैं लाम लान्ना की, ठीक है, तदबीक, तदबीक आपको पता है कि अच्छा कोई बताए तदबीक का, क्योंकि कुछ हमारी नई बहनें भी हैं इसमें, तो तदबीक का मतलब बताएं, कौन बताएगा तत्बीक? कुरान की आयतों को हदीस से मालूम करना। जी बिल्कुल सही है, कहने किसी भी कुरान की आयतों को दुआ से मैच करना, कुरान की आयत को कुरान से मैच करना, ठीक है ना, हदीस को हदीस से मैच करना, सही है ना, तत्बीक करना, मैच करना। तो अब मिल आ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जो तेरी मान के चलेगा, शैतान को कह रहे हैं तो मैं उससे जहन्नुम को भर दूंगा, तो लाम लन्ना का रूट वर्ड है मिला, मीम लाम हमजा,
जैसे कि अभी मैंने पूछा था तो हमारी बहन ने बताया था कि ये दुआ भी है, तो वो दुआ हम देखते हैं। चलें अब दुआ देखते हैं। मिला से क्या दुआ है? मिल ऊ है उस दुआ में, ठीक है। कौमे की दुआ, रुकू के बाद कौमा होता है, आप रुकू से में जाते हैं पहले, है ना, सुबहान रबी अज़ीम सुबहान रबी अज़ीम सुबहान रबी अज़ीम, फिर आप पढ़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, समी अल्लाह लिमन हमीदा, तो वो जो है आपका कौमा कहलाता है, ठीक है। एक रुकू होता है, एक सजदा होता है, एक क़याम होता है, ठीक है। तो हम इस्तिफ्ताह की दुआ कर चुके हैं, बहुत सारा पूरा पेज आपको यहाँ दिखाया गया था, क्योंकि हमारा कोशिश है कि रमज़ान से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ आ जाएँ। तो अब आज हमारी आयत से ही निकल आई कौमा की दुआ, यानी कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम, जब रुकू के बाद खड़े होते हैं तो वो हमारी कौमा की हालत होती है, उसमें हम कहते हैं हमद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम, फिर कहते हैं हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या ना भी कहो सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम कह दें तो भी काफ़ी है, लेकिन जितना गुड़ डालते हैं उसमें मीठा होता है, क्योंकि आप ससम ये दूसरी दुआएँ पढ़ते थे। तो ये दुआएँ मिल उसे, ठीक है, जो हमारी आयत में आई थी कि अलबत्ता ज़रूर बज़रूर जहन्नुम को भर दूंगा, मिल ऊ भरना यानी फिल टू भरना। तो अब ये जो है इतनी अच्छी जामे दुआ है, क्योंकि हमारी उम्र छोटी है ना, तो अल्लाह ताला ने हमें लैलतुल कदर दी है, रमज़ान का आखिरी अशरा दिया है, उसमें लैलतुल कदर ढूंढना है, तो उसमें हमारे 83 point something यानी 84 के करीब हमारे सालों का सवाब मिल जाता है। और फिर कुछ दुआएं भी ऐसी अल्लाह ताला ने सिखाई हैं कि हमारे जो है अजर बहुत ज़्यादा है उन दुआओं को पढ़ने से, क्योंकि हमारी उम्र छोटी है। तो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हमदु मिल उस समावाती व मिल उल अर्दी, अल्लाह ए हमारे रब तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ है आसमान और ज़मीन भर, यानी कि आपने इतनी हमद कर दी, इतनी तारीफ, और हम ममाने शुक्र भी आता है, अल्लाह आपकी इतनी तारीफ इतनी शुक्र जिससे आसमान और ज़मीन भर जाए अनगिनत, यानी इसमें कितने सवाब है। हम कौमे में खड़े होकर सिर्फ ये दुआ पढ़ लें, कितना सवाब है कि आसमान और ज़मीन भर जाए, हम तो गिन ही नहीं सकते आसमान की लेंथ और ब्रेथ, ज़मीन की लेंथ और ब्रेथ, और ज़मीन की लेंथ और ब्रेथ के अलावा आप देखें ज़मीन के अंदर सात, नीचे सात ज़मीन है, सातों ज़मीन है और आसमान भी सात है, तो हम तो काउंट ही नहीं कर सकते, उसका कोई अहाता ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उतना सवाब, और फिर वमा बैनहुमा और उन दोनों के दरमियान की वसत भर, अब उन दोनों के दरमियान ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं, कितना दूर है आसमान, तो उन दोनों के दरमियान भी कितनी वसत है, कितना फासला आप नहीं गिन सकते, ठीक है, उसके भर, यानी इतनी जामे दुआएं, इतने सवाब आपको, फिर अल्लाह की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं और इतने सवाब भी मिले। मिल उ माशेता मिनशाइन बादू और उनके बाद जो तू चाहे उसकी वसत भर, अब हमें नहीं पता और क्या चीज़ें हैं, यानी ज़मीन और आसमान के बराबर, उसके बराबर भर भर के, फिर उसके ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना जो कुछ है उसके बराबर, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी कायनात है, कितनी, हम तो चंद परिंदों को भी पूरा नहीं गिन सकते, कि स्पीशीज़ भी नहीं गिन सकते कितनी है, किसी को काउंट ही नहीं कर सकते, अनगिनत चीज़ें। तो उनके बाद जो तू चाहे उसकी वसत के बराबर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आल सनाई वल मजदी, अब अल्लाह की तारीफ हो गई, ए तारीफ और बुजुर्गी के सजावार, अल्लाह ताला ही तारीफ और बुजुर्गी का सजावार है ना, उसके लिए कुल शुक्र हम तारीफ अल्लाह के लिए, ठीक है। ला मानिया लिमा आतेता, इससे तो मैं इतनी कूल डाउन हम काम हो जाते हैं, जो तू इनायत फरमाए उसे कोई छीन नहीं सकता, अल्लाह ने जो दिया उसे कोई छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता, हाथ से कोई ले जाएगा, चोर उचक्का आके घर खाली कर जाएगा, लेकिन किस्मत में उसके बाद भी माल जेवर जो भी आना होगा आके रहेगा, तो हाथ से कोई छीन जाएगा, किस्मत से नहीं छीन जाएगा। तो ऐ जो तू इनायत फरमाए उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर कोई चीज़ नसीब नहीं है तो कह दें कोई बात नहीं, अगर अब मुझसे अगर कोई अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद वला मौत या लिमा मनात, और जिससे तू महरूम कर दे वो कोई दे नहीं सकता था, अब जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं है वो कोई नहीं दे सकता, वो अल्लाह ने ही नहीं लिखी है, कोई कुछ भी हो, बिजनेस हो, प्लॉट हो, ज़मीन हो, अच्छे बच्चों के रिश्ते हो, सेहत हो, बीमारी हो, शौहर की इल्तिफात हो, बच्चे नाफरमान हो, मुतीय फरमा बरदार हो, नहीं हो, जो 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 भी नेमते कुछ भी, तो वो अगर अल्लाह ने महरूम किया है तो कोई नहीं दे सकता, और अल्लाह ने जिस चीज़ को दिया है कोई छीन नहीं सकता। यहाँ इतना कूल डाउन काम डाउन इंसान हो जाता है। वला यनफऊ ज़ल जद्दी मिनकल जद्दू, और ना किसी मर्तबे वाले को तेरे सामने उसका मर्तबा नफ़ा दे सकता है, कोई कितना अमीर हो, कितनी स्किल्स हो, कितनी उसमें टैलेंट हो, तो जो है अल्लाह ताला को किसी का मर्तबा नफ़ा नहीं दे सकता, ये तो अल्लाह की दी हुई नेमते हैं, ठीक है। और कोई नफ़े वाला, कोई नफ़े वाला, कोई बुजुर्ग, कोई जो है अमीर है, कोई साहिब हैसियत है, वो हमें भी कोई नफ़ा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है। तो ये कितनी जामे दुआ है कि इसमें अनगिनत सवाब है। अभी रमज़ान में हमारे पास टाइम है,
तो इसको याद कर लें, पढ़ती रहें सुबह शाम के अस्कार में। वो आपके पास जो शुक्राने का कार्ड है उसमें ये है, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं कि कौमे की दुआ है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि उसमें सारी अल्लाह की तारीफ है ना, हम्द 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 की, वो हम्द का कार्ड है वो, ठीक है। तो अगर जिसके पास नहीं है तो साइमा जी है या जो है उज्मा जी, आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज देंगी, और पहले भी भेजा था, ठीक है। अब हमारी ये कौमा की दुआएं हम पढ़ रहे हैं, इस्तिफ्ताह जो सूरतुल फातिहा से पहले पढ़ते हैं वो हमने कर ली हैं। अब जो है अब हमारी रुकू और सुजूद की रह जाती है, ठीक है, और दो सजदों के दरमियान की वो कर लेंगे, अब हमारे पास टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं दूसरी दुआ, कौमा की दुआ। अब इसमें भी मिल वो मिलू है ना, मिल आ कह दें, मिल ऊ कह दें, उसमें मिलू था, इसमें मिला है। रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी, ठीक है, वही चीज़ है। ए हमारे, लेकिन ज़रा सा इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, अभी बताती हूँ क्या फ़र्क। ए हमारे रब, तेरे ही लिए तारीफ है आसमान भर ज़मीन भर, और फिर व मिल अमाश तमिन शइन बादु, और उनके सिवा जो चीज़ तू चाहे उसकी वसत भर। मतलब मैं समझा चुकी हूँ पिछली दुआ में, अब यहाँ तक तो ये दुआ वही है। अब देखे आल सनाई वल मजदी, सना और अजमत के हकदार अल्लाह ताला ही है, ये भी उसमें था पिछली दुआ में। अब थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, अहक्कु मा काल अल अब्दु व कुल्लुना लका लका अब्दु, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। सही तरीन बात है जो बंदा कह सकता है, और हम सब तेरे ही बंदे हैं। बाकी पूरी दुआ वही है जो पिछली पिछली आपने पहली दुआ देखी, सिर्फ इसमें जो अभी हाईलाइट करी थी उज़्मा जी वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद है, और आप ससम की सब बताई हुई है, फिर वही चीज़ आ गई, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मोतिया लिमा मनाता वला यनफाउ जल जद्द मिन कर जद्द। अल्लाह, जो कुछ तू इनायत फरमाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे तू महरूम कर दे वो कोई दे नहीं सकता, और ना ही किसी मर्तबे वाले के को तेरे सामने उसका मर्तबा नफा दे सकता है। पिछली दुआ में वही चीज़ें थी, समझा दी थी मैंने। यहाँ सिर्फ अहक को मा काल अल अब्दु व कुल्लुना लका अब्दु अब्दु, ये जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कौमे की दुआ है, यानी रुकू करने के बाद आप जब खड़े होते हैं, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम आने के बाद आप खड़े होते हैं और कहते हैं रब्बना लकल हम्द, ठीक है, तो ये दुआ। उसके बाद रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, एक आदमी ने कहा वो भी कह सकते। तो आप सबसे ने फरमाया ये अल्फाज किसने कहे थे, तो वह एक साहबी ने कहा मैंने कहते हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि पता नहीं कितने फरिश्ते जो है उसको उसका अजर लिखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। चलिए अब हम देख लेते हैं सारी दुआएं कौमा की, सारी दुआएं देख लेते हैं, ये कौमा की दुआएं सारी, ठीक है। तो ये सारी दुआएं आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें। इसमें ज़्यादातर थर्ड इसमें जो है 1 2 3 4 चार दुआएँ ऐसी है जिसमें मिलू मिलू की तकरार है, ठीक है। तो आखिर में टाइम हुआ तो हम ये पढ़ लेंगे, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेने से रह गया तो भेज भी देंगे आपको, और इसको कोशिश करें। अच्छा मेरी बहनों, अपने पे बोझ ना डालें, जो आप आसानी से याद कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप जो है इस्तिफ्ताह और रुकू और सुजूद और जितनी दुआएं वो सारी पढ़ें, एक पढ़ लें दो पढ़ लें, नहीं पढ़े टाइम नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये कि आनी चाहिए, और जितना अगर टाइम है तो पढ़ें एक को, या जो आसानी से याद हो सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है सवाब देने से नहीं थकेंगे, आप लोग इबादत करके थक जाओगे, ठीक है। तो मेरा मतलब मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, ये आपकी ताकत है, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को बोझ मत बनाइए, किसी चीज़ को लिए अपने लिए मुश्किल ना करिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ें सामने होती थी, आसानी और मुश्किल, तो आसानी वाली चीज़ को पसंद फरमाते थे, ठीक है। तो दीन में बहुत फ्लेक्सीबिलिटी है, तो बोझ किसी चीज़ को ना मना, खुशी खुशी जो कर सकते हैं वो कर डालिए। अल्लाह ताला नियतों को और अखलास से नियत देखता है कि किस नियत से हम कर रहे हैं, ठीक है, थीके? और बाय द टाइम याद भी हो जाती हैं, सारी भी याद हो जाती हैं, तो ठीक है। तो जितनी आपको जो है आपको ताकत हो, आपकी बसात हो, आप करें। तो अगर आखिर में टाइम बचा तो ये वाली सारी दुआएँ भी देख लेंगे। चले अब हम आगे चलते हैं। तो मिल ऊ से या मिल आ मिल ऊ दोनों किरात है, आपने देख लिया, पेश भी है, पेश से भी दुआ है, और ज़बर से भी, फत्ता से भी दुआ है, और दम्मा से भी दुआ है, ठीक है। चलिए अब हम चले फिर आगे आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 19 इंशाल्लाह, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। व और या आदमु, या ए आदमु आदम, हम लोग कहते हैं ना ए ओ ए करके बुलाते हैं ना, ओ इधर आओ, ए ए जरा मेरी बात सुन, तो वो लोग कहते हैं या, अरेबिक में या कहते हैं। व या आदमु, और ए आदम, उस्कुन रहो, अंता तुम,
अब रहो में आदम अलैहिस्सलाम को कहा तुम रहो, अब उस्कुन में जो है अंता भी आ जाता है, तुम भी आ जाता है ना, आप किसी को कहो बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ, पढ़ लो, तो तुम बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, तुम पढ़ लो, तुम आप बैठ जाइए, आप खड़ी हो जाइए, आप बार बार आप नहीं कहते, वो वर्ड के अंदर ही होता है। तो उस्कुन में तुम आ गया, लेकिन अंता जो है तुम, अंता जो है उसकी अहमियत के लिए बताया गया, दोबारा से अंता अंता लिखा गया, अल्लाह ताला ने रिवील किया, व या आदमो, और ए आदम उस्कुन रहो, अंता तुम, व जौजु का, व और जौज बीवी का तुम्हारी, व जौजु का और बीवी तुम्हारी, अल जन्नता जन्नत में, फकुला। अब यहाँ आप गौर करें, जरा गौर व फिक्र करें कि ये सारा जो है आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जौजा मोहतरमा दो थे ना, दो थे, तो अरेबिक में दो को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? स्नैन स्नैन वो जो उसमें लाए वाहिद जमा में, जमा में सानिया, सलासा, मैं सलास, मैंने नहीं, सानिया, सॉरी, सलासा तो तीन को सानिया, कहते हैं, सान असानिया, तस्निया, हाँ वो सानिया, सानिया पहुंच गई, तस्निया। तस्निया, सॉरी, माशाल्लाह हाँ जबरदस्त, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी मेरी बहनें हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके साथ, अल्लाह हमें पढ़ाता रहे हर वक्त और अमल बदल जाए। तो तस्निया, तस्निया होता है ना, तो ये आयत तस्निया की बेहतरीन बेहतरीन मिसाल है। अब देखे मैं पढ़ती हूँ, फकुला, फपस, कुला दोनों खाओ, हालांकि होता है कुल, कुल होता है ना खाओ, कुलू, वाव अलिफ था पीछे, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तसरिफू, और इसराफ ना करो, थी ना, गुजरी थी ना, वाव अलिफ जमा था। अब जो होता है, एक तो होता है कुल खाओ, है ना, कुल खाओ, अब ये है कुला, एक होता है कुलू तुम सब खाओ वाव अलिफ, एक होता है कुल खाओ, अब ये कुला, देखिए अलिफ आया ना, बस दोनों खाओ, अलिफ ने क्या बताया, तस्निया, कौन दोनों, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, हमारे जो है बाबा और हमारी अम्मा, ठीक है, कुला खाओ, बस दोनों खाओ, मिन हैसु, मिन से हैसु जहाँ, मिन हैसु जहाँ से, तुमा, ठीक है, हमजा को जग देते ना तिलावत में, आप तिलावत तो नहीं कर रहे लेकिन ऐसे मैंने बता दी, शी तुमा, शी तुम, शी तू चाहो, शी चाहो, शही जैसे चाहना, तुमा तुम दोनों, अब होता शे तुम, एक के लिए होता तो क्या होता शे तुम, ठीक है, अब तुमा क्यों आया मुझे बताया, अलिफ क्यों आया, शे तुम जो है तुमा क्यों हो गया, प्लूरल है दोनों के लिए, हाँ प्लूरल नहीं है, तस्निया है, प्लूरल हमारी जबान में इंग्लिश में उर्दू में होता है, दोनों माशाल्लाह, के लिए, दोनों के लिए, हाँ जजाक अल्लाह खैर, बहुत कितनी अच्छी बहनें हैं, कितनी कोशिश करती हैं, अटेंटिव हैं, पढ़ रही हैं, देख रही हैं, समझ के, जी हाँ, शे तुमा, कुला तुमा, देखा आपने, तुम दोनों चाहो, ठीक है, देखिए आपकी आज ग्रामर हो गई, व और ला ना, तकरबा, तकरा, तकरबा खाली बा पे फत्ता हो, अलिफ ना हो, तो ता तुम, अकरबा दोनों, ठीक है, करीब, दोनों करीब, दोनों करीब जाना, तो सिर्फ बा फत्ता, बा जबर बा होता, लेकिन ये अलिफ आ गया ना तो उसने बना दिया माना दोनों, तुम दोनों करीब जाना, तस्निया, अरबिक में वाहिद तस्निया जमा होता है, वाहिद एक, तस्निया दो, डुअल, और हमारी तरह अरबिक और उर्दू, सॉरी इंग्लिश और उर्दू की तरह प्लूरल होता है, ठीक है, लेकिन बीच में तस्निया दो होता है, तकरबा तुम दोनों करीब जाना, हाजिही शजरता, हाजिही इस, अच्छा आप मुझे बताया हाजा क्या होता है, हाजिही क्या होता है, हाजा जो है वो मतलब मेल के ये, लिए और वो फीमेल के लिए, हाजे ही मोनस और मुजक्कर, हाँ, और इसम कौन सा इसम है, हाजे हम शजरता, इसमें इशारा, जी इसमें इशारा, ठीक, इसमें इशारा, हाजा सिंग मेल हुआ और हाजी ही फीमेल, फीमेल, ठीक है, तो हाजी ही दरख्त क्या है, फीमेल है अरबिक में, ठीक है, हमारे यहाँ तो मुजक्कर है, दरख्त खड़ा है, दरख्त लंबा, ये इनके यहाँ मोनस है, ये मोनस है, ठीक है, हाजी ही इस अशजरता दरख्त के, ठीक है, अच्छा, फतकुना, फ वरना, अफा का आप कहेंगे पस होता है, फ का मानी वरना भी होता है, ता तुम, कूना, नून फत, समझ ले अलिफ नहीं है, नून फत्ता ना है, ठीक है, तकूना हो जाओगे, अब अलिफ आ गया ना तो दोनों आ गया, ठीक है, समझ आ रही बात, जी तकूना में अलिफ ना होता, नून जबर ना, नून फत्ता ना होता, तकूना तो हो जाओगे, तुम हो जाओगे, ठीक है, तो अब हो गया अलिफ आ गया, तो वरना तुम दोनों हो जाओगे, मिनज जालिमीन, जालिमों में से, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फकुला पस दोनों खाओ, मिन है सुशी तुमा दो, तुम दोनों चाहो, वला तकरबा तुम दोनों करीब, वला
اور نہ تقربہ تم دونوں قریب جانا حاضر شجرتا اس درخت کے فتقونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. تو جو ہے کلا شئتما تقربہ فتقونا یہ چار ورڈ آپ کو کیا بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں, کون سا سیغہ بتا رہے ہیں؟ تثنیہ کا سیغہ, تثنیہ دو 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 بوت یعنی بوت اور بوت جی بوت یس ڈوئل ڈوئل تثنیہ ٹھیک ہے عربک میں تثنیہ انگلش میں ڈوئل رائٹ ٹھیک ہے. تو اب یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ آج اپنی تلاوت کریں گی نا, کوئی ٹائم تو ہوگا آپ کا قرآن پڑھنے کا, اللہ کے لیے کوئی وقت تو نکالا ہوگا تہجد کا فجر کا, تو یہ اب آپ کو جب بھی پڑھیں گی آپ کو کیا ڈھونڈنا ہے, تثنیہ ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. چلے اب آگے اور بھی تثنیہ کی یا نون بھی آئے گا مثال آئے گا. چلے اب ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, بہت لمبی گرامر ہوگی. اور ہم نے حکم دیا, چلے رواں ترجمہ رننگ کلاس, اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے اب آیت پہ آتے ہیں, جی آیت پہ دیکھیں. ویا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو ٹھیک ہے, جنت میں رہو پھر کیا کرو, جنت میں رہ کر کیا کرو, فقولا من حیث شئتما پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ, کوئی پابندی نہیں جہاں سے چاہو کھاؤ جس جگہ سے چاہو کھاؤ, اور لیکن کیا کرو کیا کرو, ولا تقربا حاضی شجرتا لیکن ایک چیز ہے اس درخت کے قریب نہ جانا, یعنی ایک درخت کا پھل جو ہے کھانے کی پابندی ہے آزمائش کے طور پہ, یہ ان کے لیے آزمائش تھی, جہاں نعمتیں ہوتے ہیں وتھ ایوری بلیسنگس دیر از اے ٹیسٹ, وتھ ایوری بلیسنگس دیر کمز دا ٹیسٹ, ہر نعمت کے ساتھ ایک ٹیسٹ ایک امتحان کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جو تھا یہ آزمائش تھی, یہ ٹیسٹ تھا, یہ درخت اس درخت کے قریب نہ جانا, ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پہ تھی, اگر تم نے یہ کھا لیا آپ دونوں نے تو کیا ہوگا, فتقون من الظالمین تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرتا ہے, جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے, جو اللہ کی بات نہیں مانتا, جو اللہ کا حق نہیں دیتا. ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 20, پھر ایک ساتھ سب کی تفسیر کر لیں گے. فوسوسا فپس وسوسا وسوسا ڈالا, وسوسے کا لفظ کہاں آتا ہے, اور وسوسا کہاں آتا ہے؟ جزاک اللہ, یوس ویسو فی صدور الناس, وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو فوسوسا پس وسوسا ڈالا, لہوما ان دونوں کے لیے, اگر یہ لہوما نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ لہم, جزاک اللہ خیر, لہم. اب الف کیا بتا رہا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ بتا رہا ہے, تثنیہ کا دونوں. تو بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے, الشیطان و شیطان نے, یعنی آدم اور بیوی حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے. کیا وسوسہ ڈالا؟ کیا تھا, کاہے کے لیے وسوسہ؟ لی یوب دیا, تاکہ وہ ظاہر کر دے. ٹھیک ہے, لی تاکہ, یوب دیا وہ ظاہر کر دے, بدا سے لہما, ل لیے, ہما ان دونوں کے لیے, لہم کیا بن گیا؟ لہما. ما الف کیا بن گیا؟ ان دونوں کے لیے. ما اریا جو چھپائی گئی تھی, انہما ان سے, ہما ان دونوں, انہما ان دونوں سے. اب دیکھیں پھر تثنیہ, لہما انہما من سوآتہما, من سے سوآت شرم گاہیں, ہما ان دونوں کی, ہم ہما ہم کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن ہوتا ہے نا, تو ان دونوں کی. وقالا و اور قالا کہا, ما نہیں, نہا کما نہیں سے, نون ہا یا نہیں آپ کہتے ہیں نا, نہیں نہیں یہ کام نہیں, نہیں, نہا نہا روکا کما تم دونوں کو. کما کیا تھا؟ کما ماں جو ہے دونوں کے لیے, کم کم کم, او کم کم صرف تم 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 کے لیے ہوتے تھے, ہاں تم کے لیے کم. تو الف کیوں لگایا؟ دونوں تھے نا, اس لیے کما کا ہو گیا. نہا کما روکا تم دونوں کو, رب کما تمہارے رب نے, اگر یہ رب کما اور کیا ہو سکتا تھا علی, اگر دو نہیں ہوتے تو رب کم. اب یہ کیا بن گیا؟ رب کما تمہارے رب نے. ٹھیک ہے, اب یہاں دونوں نے لکھا ہوا ہے, لیکن آپ اگر تثنیہ ڈھونڈیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی دونوں کی بات ہو رہی ہے. رب کما دیکھا آپ نے,
सब जगह दोनों 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 लहू माँ में उन दोनों के लिए, सौ आती ही माँ दोनों के लिए, नहा कुमो में दोनों के लिए, रब कुमा में तुम्हारे रब ने, यानी तुम दोनों के रब ने, बीबी आदम बीबी हवा आदम अलैहिस्सलाम। अन अन हाजी शजरता, अन से हाजी इस अशजरती दरख, इस दरख से इल्ला, अच्छा अशजरत, अशजरती जो है वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन। किस चीज ने बताया आपको प्रॉपर नाउन? अलिफ, अलिफ लगा अगर सिर्फ शजरा, शजरा अलिफ लाम ने आपको बताया कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कोई खास दरख्त है जन्नत का, ठीक है। इल्ला मगर, अन ये के तकुना, तकुना में अगर अलिफ ना होता, नून जबर ना, नून फत्ता ना होता तो क्या होता? तकुना होता, सिर्फ नून होता, तुम हो जाओ, ठीक है। अब अलिफ आ गया तो क्या हो गया? तुम दोनों हो जाना, तुम दोनों हो जाओगे, ठीक है ना, सही। मलकैनी, मलकैनी दो फरिश्ते, या नून भी क्या बता रहा है? तस्निया बता रहा है, दो फरिश्ते। आओ या तकुना, फिर अल्लाह ने आपकी रिवीजन, तुम दोनों हो जाओ, मिनल खालिदीन, मिन से अल खालिदीन, हमेशा रहने वालों में से, खालिद आप नाम रखते हैं ना, खुल्द से, खुल्द, खुल्द होती है हमेशगी की जिंदगी, तो जन्नत जो है हमें उसमें हमेशा रहना है, ठीक है। तो खा खुल्द, खा लाम दाल खुल्द, रूट वर्ड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, जरा तस्निया को आप हाईलाइट करें। लहुमा, लहुमा उन दोनों के लिए, अनहुमा उन दोनों से, सौआतिहिमा शर्मगाहें उन दोनों की, नहाकुमा रोका तुम दोनों को, रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, और तकुना तुम दोनों हो जाओ, या नून मलकैनी दो फरिश्ते, तकुना तुम दोनों हो जाओ, ठीक है। तो ये तस्निया की प्रैक्टिस हो गई सारी, यानी डुअल दो, अरेबिक में वाहिद तस्निया जमा होता है और उर्दू और इंग्लिश में वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। चले अब हम रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं, नहीं हाँ रनिंग ट्रांसलेशन देख के फिर वापिस आते हैं। चले, फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं, छुपी हुई थीं, दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। तो चले अब आयत की तरफ आते हैं और हम देखते हैं, आयत को देखते हैं जी। वसवसा, पस वसवसा डाला शैतान ने उनके दिलों में, वसवसा डाला, और वसवसा क्या होता है? और उसने ये कहा था ना कि मैं तो आगे दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, और सबके पास आऊँगा, और तेरे जो सिराते मुस्तकीम पे उस पर भी आऊँगा। तो वसवसा समझ लें, तो दोनों को पकड़ा था, दोनों को पकड़ा, कहा था कि सबको ले जाऊँगा, कहा था ना कि मैं सबको ले जाऊँगा, तो उसने दोनों को पकड़ लिया, बीवी हवा को, बीवी आदम, आदम अलैहिस्सलाम को, दोनों को। तो वसवसा, वसवसा को देखें, वसवसा के दो मानी होते हैं, और सौतुल खफीफ, ठीक है, सौत कहते हैं आवाज़ को, वसवसा के क्या मानी है? सौतुल खफीफ यानी के धीमी आवाज़, छुपी हुई आवाज़, खफीफ आवाज़, इशारा करना, धीमी आवाज़ जो बार बार अंदर से आए, ठीक है। तो एक तो ये मतलब हुआ सौतुल खफीफ वसवसे का, एक है हदीसुन नफ्स, हदीसुन नफ्स जो दिल में ख्याल आते हैं, दिल में हर वक्त मेरी बहनों ख्याल आते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसके खिलाफ कभी किसके खिलाफ, अगर वो सही हो, दिल में जो ख्याल आते हैं वो सही हो तो अल्लाह की तरफ से इल्हामी होते हैं, और शयातीन शैतान की तरफ से हो तो वो वसवसा होता है। तो वसवसा जो है उसके दो मानी हैं, असौतुल खफीफ धीमी आवाज़, छुपी हुई आवाज़ जो है, खफीफ आवाज़, इशारा करना, धीमी आवाज़ जो बार बार अंदर से आए, और हदीसुन नफ्स वो होता है जो दिल में ख्याल आते हैं, दिल में हमारे हर वक्त ख्याल आते हैं, अगर वो सही हों तो अल्लाह की तरफ से इलामी होते हैं, और अगर शैतान की तरफ से हों तो वो वसवसा होता है। तो फ़र्क पता चलता है हमें, कैसे फ़र्क पता चलेगा? अंजाम से, कि ये जो है इल्हाम है अल्लाह की तरफ से अच्छा ख्याल है या वो जो है शैतान की तरफ से। अब ये हमें ऐसे पता चलता है कि कौन सा काम किस नीयत से करने का सोच रहे होते हैं, हमारे दिल में जो ख्यालात आते हैं तो कौन सा काम हम किस नीयत से सोच रहे होते हैं, अगर उसमें
रिया, फखर, दिखावा, सेल्फ प्राइड हो, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए हो, तो वो बात शैतान की तरफ से होगी, ठीक है ना। और अगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दिल में ऐसे ख्याल आते हैं और लोगों की तारीफ़ और सना और उनकी जो है प्रेज नहीं चाहिए, उससे बेनियाज हैं, तो ये तौफीक है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। अच्छा, तो वो जो मकासिद हैं वो जो है वाजे करते हैं कि हाँ, हम आपको जो वसवसा हो रहा था वो क्या था, जो आपके दिल में वसवसा था, जो मकासिद थे कि वो अगर अच्छे थे तो जो वजह होती वो आपको बताती है, जो अच्छे थे अल्लाह के लिए थे, कोई अपना तारीफ़ें नहीं चाहनी थी, रिया फ़खर दिखावा नहीं था, तो वो अल्लाह की तरफ से था क्योंकि मकसद अच्छा था और फिर उसका अंजाम भी आपको अच्छा मिला दुनिया में भी और आखिरत में भी, अल्लाह ताला ने उसका अजर देंगे, दुनिया में भी अजर मिल जाता है। और वो जो बुरे ख्याल हों, अपनी तारीफ़, रिया फ़खर दिखावा ये सारे, या किसी का बुरा करना, तो वो वसवसा होता है। तो सौतुल खफीफ और हदीसुल नफ्स, तो वसवसे दो तरह के होते हैं। अब हमारा क्या मामला है, हम इल्हाम को गैब की खबरों के मानी में ले लेते हैं। इल्हाम सिर्फ गैबी बातों के मानी में नहीं होता, तौफीक के माने भी होता है। अगर आपको कोई तौफीक हो गई अच्छे कामों की, तो वो भी इल्हाम होता है। अल्लाह ने अच्छा काम दिल में डाला और आप करते चले गए और दिल में दुनिया का कोई मफाद नहीं था, दुनिया की कोई गरज नहीं थी, कोई तारीफ या फ़खर दिखावा, तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक थी, ठीक है। अच्छा, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था शैतान से, मेरे मुखलिस बंदे तेरी मानकर नहीं चलेंगे, और ये अल्लाह की ख़ास मदद होती है। कब मिलती है, जब इंसान सच्चा हो और उसके इखलास नीयत हो उसके दिल में, फिर जो प्रोग्राम जो बातें दिल में अल्लाह डालता है वो वसवसा नहीं होता, वो अच्छी चीज़ होती है। हर वो सोच जो अच्छा काम करवा दे, अच्छा अंजाम दे, वो अल्लाह की तरफ से है। हर वो सोच जो बुराई की तरफ ले जाए और बुरे अंजाम तक पहुंचा दे, ये है वसवसा। समझ आ गया, मेरा ख्याल है सबको अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। वसवसा समझ में आ गया। अच्छा, अब फवसवसा, पस वसवसा डाला लहुमा, उन दोनों के लिए, शैतान ने अब वसवसा डाला शैतान ने उनके दिलों में, क्या डाला, लियुब दिया लहुमा, ताकि वो जाहिर कर दे उन दोनों के लिए माउरिया, जो छुपाई गई थी अनुमा उन दोनों से, मीन्स आतिमा शर्म गाएँ उन दोनों की। अब शैतान ने वसवसा डाला, इसलिए वसवसा डाला ताकि जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक ऐसा लिबास था अल्लाह ताला की तरफ से, जिनसे उनके प्राइवेट पार्ट्स दोनों से छुपे हुए थे एक दूसरे से, उनकी सौआतिमा उनकी शर्म गाएँ छुपी हुई थी, ठीक है। तो उसने जो है ये वसवसा डाला, इसलिए डाला कि वो ये दरख्त का फल खा लें, और क्या हो, उसको पता था कि ये दरख का फल खाने से इनकी प्राइवेट पार्ट्स खुल जाएंगे, इनकी सौआत जो है शर्मगाहें खुल जाएंगी, ठीक है। तो उसने कहा वकाला मा नहा कुमा रब्बो को मा हाजिर शजरता, कहा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इस दरख को पाने से सिवाय इसके इसलिए नहीं रोका, इल्ला अन तकूना मलकैनी और तकूना मिनल खालिदीन, ताकि तुम जो है फरिश्ते बन जाओगे या तुम हमेशा रहने वाले बन जाओगे, यानी अल्लाह ताला ने इसलिए रोका है कि कहीं तुम हमेशा जन्नत में रहने वाले ना बन जाओ, कहीं तुम फरिश्ते नहीं बन जाओ। अब आपको पता है फरिश्तों की खसूसियत के फरिश्ते जो है उनको मौत नहीं आएगी, जिस तरह हम इंसानों और जिन्नों को मौत आ जाती दुनिया में, फरिश्तों को मौत नहीं आएगी, उसे जब आएगी जब क़यामत होगी, ठीक है, उस वक्त तो सबको मौत आएगी। और बड़ी तफसील में पिछली हमारी आयत गुजरी है और बहुत तफसील में वो गुजर रही थी कि किस किस तरह किस किस को मौत आएगी, सब हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली सूरत में हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। तो एक तो उसने ये उनको लालच दिया कि तुम्हें जो है तुम फरिश्ते बन जाओगे और तुम्हारा हमेशा का खुलूद हो जाएगा, तुम हमेशा रहने वालों में से हो जाओगे, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें रोका है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ, तुम हमेशा रहे कहीं ये हो कि हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ, तो ये इसलिए तुम्हें इस दरख से रोका है। अब हम सौआत हिमा को देख लेते हैं, लियुब दिया, यानी लियुब दिया जो था ना, लियुब दिया को पहले देखते हैं फिर सौआत को, लियुब दिया देखें चौथा वर्ड, वसवसा लहू मा शैतानु लियुब दिया, लियुब दा जाहिर करना, खोलना, नुमाया करना, ठीक है, ताकि वो जाहिर कर दे, आपका मायने भी बता रहा है, तो मतलब क्या होता है, लियुब दिया जाहिर करना, खोलना, नुमाया कर देना, ठीक है। तो सौ आ से ये जो है, अब सौ आत ही माँ को हम देखते हैं, ये सौ आ से निकला है, सौ आ आपके वर्ड में ये सीन वाव अलिफ, देखें सौ आ,
सौआत, सौआ से निकला है, सौआत जो होती है, सौआत जो होती है वो चीज़ जो इंसान को बुरी लगे, सौआत, सीन वाव अलिफ ता को देखें, सौआत जो होती है वो चीज़ होती है जो इंसान को बुरी लगे, देखने में अच्छी ना लगे, इससे फिर मुराद शर्मगाह है, प्राइवेट पार्ट है, जिस्म का वो हिस्सा जो इंसान छुपाना चाहता है, दूसरों के सामने खोलना बुरा लगता है, फिर उसके बाद हर बुराई के लिए जो इंसान छुपाना चाहे सौ आ का लफ्ज़ आता है, सौ आ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सून सुना है, सून, सून भी बुराई से होता है ना, सून, ठीक है, बुराई। तो फिर उसके बाद हर बुरी चीज़ के लिए जो इंसान छुपाना चाहता है सौ आ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसलिए पीछे सौ आ का माने हमने पढ़ा था कि क्या था, हाबिल काबिल के किस्से में पढ़ा था, सौ का मानी पीछे पढ़ा था लाश के माने में, लाश पर, लाश के लिए हमने पढ़ा था, क्योंकि मुर्दे का नंगा रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको क्या होता है, ढाका जाता है ना, मुर्दे को भी हम ढाक देते हैं, कब्र में छुपाने के लिए डाल जा, उसको मुर्दे को डाल देते हैं, क्योंकि कब्र में ऐब जो होता है वो छुप जाता है, वरना उसकी बदबू, जिस्म से जो बदबू निकले सड़ान की सी, और जब जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो कितना बुरा हाल होता, अगर ज़मीन के अंदर अल्लाह ने दफनाने का नहीं इंतज़ाम हमारे लिए किया, उसने पैदा किया तो उसने हमारी हमारी जो है जो लाश को भी अल्लाह ने उसको दफनाने का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि अगर ज़मीन पे डिकम्पोज होती तो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर अमरीन सुमरो, तो हम आखिर में उनसे डिकम्पोज पे बात पूछेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम बचा तो, अगर टाइम हुआ तो। तो डिकम्पोज जब होता है तो बहुत ज़्यादा बात निकल, बुरी बात, आपको पता है चूहा मर जाए आपके घर में, छिपकली मर जाए, रोचिस बहुत ज़्यादा, आप दवा मारती मर जाए, तो आप देखते कैसी बदबू निकलती है ना, कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है। तो ये अल्लाह की रहमत है जिस्म को कब्र में डालने की, कि उसने हमारे जिस्म को कब्र में डालने का अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, वरना ज़मीन पर कोई ना बैठ सकता। तो कुर्ब क़यामत लोग कब्रों पर जाकर तमन्ना करेंगे कि इस कब्र में मैं होता, क्योंकि आखिरी वक्त में कब्र में दफना जाना भी एक नेमत होगी, ठीक है, कि और ये किसी का गुसल देना, मैयत का हो जाना, उसको गुसल देना, गुसल भी हम कैसे देते हैं कि उसकी सौआत को, उसकी शर्मगाह को छुपाते हैं। औरत के लिए 5 कपड़े होते हैं, मर्द के लिए जो है आपको पता है 3 कपड़े होते हैं, और कभी आपने गुसले, ये वर्कशॉप भी हमें रखना है इंशाल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। आजकल हम लोग दौरे कुरान बहुत मसरूफ है, मैं और उस्मा जी 5 महीने से हम दौरे कुरान की, असल में वैसे तो बहुत आसान था, मैं तैयारी कर लेती, हम पढ़ लेते, लेकिन चूंकि स्क्रीन हम चाह रहे हैं कि वो ऐसे ही जाए, लाइव जाए, हमारी वर्चुअल स्क्रीनिंग हो, इसलिए वो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो वो वर्कशॉप भी हमें, आपसे वादा है, ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह। तो क्या होता है जब हम कब्र मुर्दे को नहलाते तो उसकी भी सौआत को ढाकते हैं कपड़े के अंदर, जो नहलाने वाले होते हैं हाथ डाल के जो है अच्छी तरह उसको साफ करते हैं, वॉश करते हैं। कितनी इज्जत दी इंसान को अल्लाह ताला ने, कितनी हुर्मत है, हरम काबा से भी ज़्यादा हुर्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तवाफ़ फरमा रहे थे तो फरमाया, ऐ काबा तेरी हुर्मत बहुत है, क्योंकि हरम काबा हम जब हज उमरा करते हैं तो ऐसे पाक हो जाते हैं हज करके, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ गुनाहों से ऐसे पाक होते हैं, तो उसकी भी एक अजमत है ना। तो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरम काबा से ज़्यादा इंसान की, हरम काबा तुझसे ज़्यादा इंसान की हुर्मत है, उसकी जान, उसकी माल, उसकी आबरू की। और हम वैसे ही स्लेंडर कर रहे होते हैं, गीबत कर रहे होते हैं, कितनी हुर्मत है इंसान की। अच्छा, तो मैयत को गुसल की बात हो रही थी, उसको भी इज्जत से, उसकी भी शर्मगाह को कपड़ा ढाक के उसके जिस्म को धोया, गुसले कफन, मैयत को गुसल दिया जाता है। तो किसी का गुसल करना, कफन पहनाना, जनाजा, नमाज जनाजा, दुआ दफनाना, बहुत बड़ी अल्लाह की जो है एक नेमत है। मेरी बहनों, कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें की है, ठीक है। तो उसके बाद ये बहुत बड़ी नेमत है। तो शैतान ने जो कहा, उस दरख्त तक क्यों लाना चाहता था, ताकि एक दूसरे के काबिल शर्म हिस्से को खोल दे, और उसने ये कर दिया। अगली आयत में आ रहा है, उसने ताकि इन दोनों के काबिल शर्म हिस्से को खोल दे। अब एक्चुअल में शोहर बीवी का पर्दा नहीं, लेकिन बिला ज़रूरत नंगा होना और जो है तन्हाई में नंगा होना, उसको भी नापसंद किया गया है, ठीक है, उसको भी नापसंद किया गया है। बस जो वक्त हो चले वो हो गए, जो भी है अल्लाह ताला ने रखा है, उससे नस्ल इंसानी चलता है। उसके अलावा
भी जो है बिला ज़रूरत जो है नेकेड हो जाना, न्यूड होना और तन्हाई में नंगा होना, सिर्फ कपड़े अपने चेंज करें और बात ख़त्म, उसके अलावा ऐसे तन्हाई में नंगा उसको भी नापसंद किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के रूबरू बेपरवा रूबरू बेपर्दा हो जाए, बेपरवा नहीं बेपर्दा हो जाए। ठीक है, यानी वसवसा जो है विश्वास जो है जलजला और जिलजाल के वजन पर है। शैतान दिल में जो बुरी बातें डालता है उसको वसवसा कहा जाता है, और वसवसा मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया है। अच्छा, अब क्या था आगे के उसको बेपर्दा कर दिया और कहने लगा, और क्या कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं किया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। यानी शैतान का मकसद इस बहकावे से हज़रत आदम और हव्वा को इस लिबास जन्नत से लिबास जन्नत से महरूम करके उन्हें शर्मिंदा करना था जो उन्हें जन्नत में पहनने के लिए दिया गया था। ठीक है, शर्मगाह को सौआत से इसलिए ताबीर किया गया कि उसके जाहिर होने को बुरा समझा जाता है। सौआत भी बहुत हमने डिटेल में कर दिया, यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं पॉज दे। सबसे पहले ये जो है औरतें, आपको पता है वो औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कपड़े पहन कर भी नंगी नज़र आती है उसको जन्नत की खुशबू 50,000 साल पहले जन्नत में जाने से पहले आ जाती है, वो उस खुशबू से भी महरूम हो जाएगी। जन्नत में जाना तो दरकिनार, वो उस खुशबू से भी महरूम हो जाएगी। और आप देखें ये शैतान का वार होता है जो हम ऐसे कपड़े पहन के चलते हैं जिसमें इतने टाइट होते हैं कि सारे बॉडी पार्ट्स प्राइवेट पार्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, आगे से पीछे से सीना भी नज़र आ रहा होता है, हिप्स भी नज़र आ रहे होते हैं, आगे से भी नज़र आ रहा होता है, या इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि पहनकर नंगी नज़र आती। वही हदीस की बात कर रही हूँ मैं, अपनी तरफ से तो कोई कुछ नहीं बोलता है, अल्लाह और रसूल की बातों से या कुरान और हदीस से ही बात की जाती है। तो ये किसका वार है? ये शैतान की चाल है, उसमें आए हुए बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान उसमें आप देख रही हैं किस तरह का मुसलमान खवातीन भी लिबास पहनती हैं। तो इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर जाएगा, इंशाल्लाह अभी एक अनाउंसमेंट है मैं बताऊंगी उसमें, ये लिबास पे है। ठीक है, कुरान और हदीस के इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हम करेंगे और अल्लाह ताला करवाएगा हम क्या करेंगे, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इंशाल्लाह। तो अभी हम अनाउंस करते हैं ना, हमारा ये दर्स ख़त्म हो जाता है उसके बाद, क्योंकि हमारी आयतें लिबास पे भी आई, एक तो इसमें आ गई, आगे भी एक लिबास पे आयत आ रही। तो ये किसकी चाल है दरअसल, ये किसका मकायद शैतान है, ये किसकी मकर है? ये शैतान की चाल है कि वो पहले इंसान को नंगा कर देता है, बेहया बेशर्मी के लिबास पहना देता है जिससे जो है गुनाह आम हो जाते हैं। फिर कहती हैं कि बाज़ार में ऐसी चल रही होती हैं, सब कुछ नज़र आ रहा होता है, पेंटी लाइन बड़ा लाइन, वो कह रही होती है कि हम रेप हो गए। भाई आपने खुद ही मौका दिया, आप दीन पे नहीं चली, ये हो रहा है ना दुनिया में, सुनते हैं रोज़ हम ऐसे वाकयात सुन रहे होते हैं। तो ये बात थी कि उसने क्या किया, जो उसने ये किया कि शैतान का मकसद इस बहकावे से हज़रत आदम हव्वा को इस लिबास से जन्नत से महरूम करके उन्हें शर्मिंदा करना था जो उन्हें जन्नत में पहनने के लिए दिया गया था, इसलिए उसको उसने वो कर दिया कि वो उस लिबास से एक दूसरे की शर्मगाहें जाहिर हो जाए, लिबास उतरवा दिया। और उसको मालूम था कि ये दरख्त जो है खाने के बाद, उसको सब मालूम था कि ये खाने के बाद इनकी जो है सौआत एक दूसरे पे जाहिर हो जाएंगी। तो जाहिर ये मालूम होता है कि इस दरख्त की खासियत ये थी कि उसका फल खाने से जन्नत का लिबास उतर जाता था, और ये इबलीस को मालूम थी। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने उसे खाया तो जन्नत का जो लिबास उन्हें अता हुआ था वो उनके जिस्म से उतर गया। मतलब ये था कि चूँकि इस दरख्त की खासियत ये है कि जो उसमें से खा लेता है वो या तो फरिश्ता बन जाता है, उसने बहकाया ना, या उसकी हमेशा की ज़िंदगी हो जाती है, इसलिए उसे खाने के लिए मखसूस कुव्वत की ज़रूरत है। ये उसने बहकाया, शुरू में आप दोनों को ये कुव्वत हासिल नहीं थी इसलिए मना किया गया था, अब आपको जन्नत में रहते हुए एक ज़माना गुजर गया है और आप में वो कुव्वत पैदा हो गई, इसलिए अब खा लेने में कुछ हर्ज नहीं। और उसने उनको खिला दिया। उसके बाद उसने क्या किया, कस्में खाई। अब आप देखें, अब अगली आयत में आता है कि वो कस्में खाता है। हम देखते हैं आयत नंबर 21, वका समा हुमा, व और कासमा, उसने कसम खाई हुमा उन दोनों से, हुमा जब हुआ तो दोनों हो गया। ठीक है, वका समा हुमा, और उसने कसम खाई उन दोनों से। मेरा ख्याल है जहाँ भी तस्निया आएगा आप ज़रूर समझ जाएंगी। अब बहुत हम लोगों ने क्लियर, इन्नी बेशक मैं, ये इन्ना और या, इन्नी इन्ना बेशक या मैं, इन्नी बेशक मैं, लकुमा ल लिए, कुम कुमा
कुमा दोनों, कुमा क्या है दोनों, तुम दोनों के लिए। लमीनन नासुहीन, लमीना ल अलबत्ता मिन से अन नासहीन खैर ख्वाहों में से हूँ। वो ताकीद से कहता है अलबत्ता मैं खैर ख्वाहों में से हूँ। फिर उसने कसम खाई उन दोनों से कि बेशक मैं तुम दोनों के लिए खैर ख्वाहों में से हूँ, ये फल खा लो, दरख खा लो, कसम खा खा के उनको कहा और बहकाया और फुसलाया कि तुम खा लो, क्या होगा कि तुम जो है मैं तुम्हारा खैर ख्वाहूँ। अब हम रवा तर्जुमा देखते हैं। और उन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। और जो है एक मुसलमान और एक मोमिन होता है, जब अल्लाह की कसम खाई जाती है तो वो अल्लाह की बात पे बात मान लेता है। तो उसने ये भी चाल चली, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शैतान उस दरख्त तक क्यों ले जाना चाहता था, ताकि एक दूसरे के काबिल शर्म हिस्से को खोल दे। फिर क्या किया कि उसने क्या किया फरिश्ते के, पहले तो उसने वसवसा डाला। क्या वसवसा डाला कि जो है तुम जो है इसलिए मना किया गया है कि तुम कहीं जो है फरिश्ते ना बन जाओ, कहीं तुम्हें खुलूद जन्नत में हासिल ना हो जाए। फिर एक खौफ पैदा किया, फिर उन लोगों को कसम दी, कसम दा कहा। तो तीन स्टेप होते हैं, ठीक है। आज भी तीन स्टेप होते हैं, लोग जो है आपको वसवसे डालेंगे, अरे भाई क्या करने चाहिए, अरे कुछ हर कोई तो कर रहा है, अरे फिर इस्तिगफार कर लेना, खुदा जो है गफूर, अल्लाह तो गफूर रहीम है। और फिर वो कसम हमेशा खाएंगे, अरे मैं यकीन मानो मैं तो बहुत तुम्हारी तुमसे बहुत कोई भूल गई है, प्लीज म्यूट कर दे, कोई बहन अनम्यूट करना भूल गई, म्यूट कर दे, अनम्यूट है किसी का। तो जिंदगी में भी जो होते हैं सोच, माइंड ब्रेनिंग होती है, माइंड स्टॉर्मिंग होती है, वो सोच पैदा की जाती है, फिर एक खौफ दिलाया जाता है, फिर कसमें की जाती है। लीडर होते हैं, बड़े होते हैं या दोस्त होते हैं हमारे, वो जो दीन पे नहीं होती, वो क्या करते हैं, गलत बातें, फिर कसम, गलत बातें बताएंगे, फिर कसमें खाएंगे, फिर अपनी खैरख्वाही, अपनी मोहब्बत के इजहार करेंगे कि हम तो तुम्हारे खैरख्वाह हैं, तुम्हारी भलाई के लिए। तो शैतान ने भी यही सब किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ कि जन्नत की जो नेमतें आसाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को हासिल थी, उसके हवाले से शैतान ने दोनों को बहलाया और ये झूठ बोला कि अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, इसलिए इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है, क्योंकि इसकी तासीर ही ये है जो उसे खा लेता है वो फरिश्ता बन जाता है या दायमी ज़िंदगी उसे हासिल हो जाती है। फिर कसम खाकर अपना खैर ख्वाह होना भी जाहिर किया, जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा मुतासिर हो गए। इसलिए अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर आसानी से धोखा खा जाते हैं। उसने कसमें खाकर अल्लाह के नाम पर धोखा दिया, उसको पता है कि अल्लाह वाले तो अल्लाह के नाम पर आसानी से क्या कहेंगे, धोखा खा लेंगे, बात को मान लेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला इम्तिहान था आदम अलैहिस्सलाम का, उसी में लग्जिश हुई और उसका अंजाम क्या हुआ, इबलीस को निकाल कर हज़रत आदम और हवा को अल्लाह ताला ने जन्नत में पहुंचा दिया, बजस एक दरख्त के उन्हें सारे खाने की रुख्सत दी गई। किसी के घर से आवाजें आ रही हैं, प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट कर लें प्लीज। तो अच्छा, अब सूरतुल बकरा में भी आपने पढ़ा था ना, ये तफसील हमने वहाँ भी पढ़ी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूरतुल आराफ और सूरतुल बकरा में मुमासलियत है, ठीक है। तो शैतान को उससे बड़ा ही हसद हुआ उनकी नेमतों को देखकर, ये लईन, ये मलामत ज़्यादा, ये जो है मलून जल गया और ठान ली कि जिस तरह से हुआ उन्हें बहका कर उनके खिलाफ कर दूंगा। जन चुनाचे झूठ इस तरह बांध कर उनसे कहने लगा, ये देखो ये दरख्त वो है जिसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशगी की जिंदगी इसी जन्नत में पाओगे। जैसे और आयत में कि इबलीस ने कहा कि मैं तुम्हें एक दरख्त का पता देता हूँ जिससे तुम्हें बका और हमेशगी वाला मुल्क मिल जाएगा, ठीक है। वो उसको उनको कहा उसने, फिर क्या क्या हुआ या क्या कहा कि तुम के देखो मेरी बात को सच मानो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। लमिन नासहीन, अलबत्ता मैं खैर ख्वाह हूँ, तुमसे पहले से यहीं रहता हूँ, हर एक चीज़ के ख्वास और हर एक चीज़ की खूबी को, ख्वास को, खसूसियत को जानता हूँ, उससे वाकिफ़ हूँ, तुम उसको खा लो फिर यहीं रहोगे बल्कि फरिश्ता बन जाओगे। इस तरह उसने उनको बहकाया। तो इस कसम की वजह से तफसीर में आता है खबीस के अल्फाज के, इस खबीस के बहकावे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आ गए। सच ये है कि मोमिन उस वक्त धोखा खा जाता है जब कोई नापाक इंसान अल्लाह को बीच में देता है। चुनाचे सल्फ का कौल है कि मोमिन अल्लाह के नाम के बाद अपने हथियार डाल दिया करते हैं। उसके बाद जो है
हमारी जो है तफसील लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें हमारे अनाउंसमेंट भी हैं कुछ और टाइम भी ख़त्म हो रहा है, असर भी जल्दी जल्दी होती है। तो इंशाल्लाह बस आज की हमारी दुआ थी, दुआएं देख लेते हैं हमारी। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तो यही थी कि उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्बना ज़लमना, वो आयत में भी आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और वो दुआएं जो हमने स्क्रीन पे भी देख ली थी, हमारी कौमा की दुआएं थी, दो दुआएं मैंने तफसील से वो बता भी दी थी आप लोगों को। तो चले हम जो है इसी पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारे अनाउंसमेंट भी है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। आप अल्लाह ताला आप लोगों का आना बैठना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, और जन्नत के दौर से जगा दे, आग के अजाब से बचा दे, और इस शैतान रजीम जो है कर्स वन है उसके भी हथकंडों से बचाए। अल्लाह ताला हज़रत उमर को देख के वो भाग जाता था, और अल्लाह ने जो फरमाया कि मेरे मुखलिस बंदे तेरे उसमें तेरी बातों में चक्कर में नहीं आएंगे, तो अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे कि हम उसके चक्कर में ना आए। तो चले अब मैं जो है कुछ अनाउंसमेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टाइम जो है ना उसको कुछ हम सोच लेते हैं आप लोगों के मशवरे से, क्योंकि आपको मालूम है कि वो बहुत जल्दी हो रही है ना, 2:30 बजे हम शुरू करते हैं और असर हो रही है, ठीक है, तो उस पर हम सोच लेते हैं। दूसरा ये है कि हमारा ये टॉपिक आ रहा है लिबास पे, ठीक है, और ऐसे टॉपिक बड़े रेयर होते हैं, होते नहीं हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, तो वो हम सैटरडे रखेंगे फ्राइडे की बजाय, क्योंकि आपको पता है कि नूरजा बहन और भी हमारी बहनें महीने में एक दफ़ा प्रोग्राम रखती है, तो वो जुमा को, उनमें से कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, तो वो फ्राइडे को नहीं आ सकती, मुस्लिम की जो सिस्टर्स हैं, तो उनके लिए आपको भी अजर मिल जाता है, अल्लाह ताला जितना वो लोग जितनी बहनें आएंगी उनके एक एक हर्फ पे आपको 10-10 नेकियों का सवाब मिल जाएगा, अगर जुमे की बजाय हम सैटरडे रख लें। तो हमारा तो सबक भी है आ रहा है, हमारी तो आयतें भी ऐसी चल रही हैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह जुमे को नहीं रखते हैं, फिर आपका मशवरा चाहूंगी कि सैटरडे को रख लेते हैं। तो चले जी, चले आप लोग फिर दोनों बातों में बताएं कि हम क्या करें। चले